सरकार की तरफ से दो बिल जो इस वक्त चर्चा में हैं, पहला तो वक्फ बोर्ड को लेकर के रेगुलेट करने को लेकर के जो बिल आ रहा है, और दूसरा जिस पर विपक्ष एक बार फिर हमलावर है और वो है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जिस बिल की चर्चा शुरू हुई। हमारे साथ मौजूद है प्रमोद तिवारी। प्रमोद जी, आप लोग लगातार अब इस बिल पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पर कंटेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाया जा सकता है। देखिए, ये सरकार पूरी तानाशाही को कर रही है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति देश की आज़ादी के बाद हमारा मौलिक अधिकार, उसे छीनने के लिए ये विधेयक ला रही। खैर, अभी चूंकि विधेयक का पूरा रूप नहीं आया, चर्चाएं हैं जो उसके अनुसार, तो फिर किसी की बोलने की आज़ादी नहीं रह जाएगी। हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं, जब ये आएगा पढ़कर हम इसका विरोध करेंगे अगर हमारी अभिव्यक्ति पर कोई लगाम है। सर, आप लोगों को क्या जानकारी और क्या आशंकाएं क्या हैं इस बिल को लेकर के, क्या आशंकाएं हैं? देखिए, ये एक लाइक हो रहा है, चल रहा है सब कुछ ठीक, यानी कहीं ना कहीं से कर्व करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से रोकना चाहते हैं, तो वो जो लाएंगे उसका हम विरोध। सर, इसके साथ ही में लेकिन दलील ये दी जाती है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जिसका कहीं कोई चेक नहीं होता है, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, लोगों को गुमराह कर। उसके लिए कानून बना हुआ है, अगर कोई गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो फिर ठीक है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ आप मौजूदा कानून के तहत करिए, उसमें फिर बिल लाने की क्या जरूरत है, कानून तो है। यानी साफ तौर पर प्रमोद तिवारी जिनका ये कहना है कि ऐसा अगर कहीं कोई गलती हो रही है, कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, तो उसको लेकर के तो पहले ही कानून है, उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस तरीके का अगर बिल लाया जाता है तो उसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि इसका मकसद है जो स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका हनन करना। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.